अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु प्लेयर्स को चीनी दूतावास से स्टेपल वीजा यानी कि नत्थी वीजा जारी करने की वजह से केंद्र सरकार ने पूरे दल को ही चीन के चेंगड़ू में शुरू होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में न भेजने का फैसला किया है। हालांकि बाकी गेम्स के प्लेयर देश से रवाना हो गए हैं। केंद्र सरकार ने यह फैसला चीन के भेदभाव भरे कदम के विरोध में उठाया है, जिसके चलते भारत और चीन के रिश्ते एक बार फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत की 11 मेंबर्स की वुशु टीम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चीन जाने वाली थी। इसमें से 3 खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश से थे, जिनको चीन ने स्टेपल वीजा जारी किया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या है स्टेपल वीजा, चीन इसे कब और क्यों जारी करता है, और इसमें ऐसा क्या है कि भारत ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। नमस्ते, मैं हूँ मानसी और आप हैं मंच पर। वुशु टीम ने 16 जुलाई को वीजा के लिए अप्लाई किया था। अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी का वीजा समय पर आ गया। इन 3 खिलाड़ियों को फिर से एप्लीकेशन डालने को कहा गया था, लेकिन बुधवार दोपहर को उन्हें स्टेपल्ड वीजा मिला। दोपहर सुबह पूरे दल को दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। अगर आपको वुशु नहीं समझ आया तो आपको बता दें कि वुशु एक तरीके का मार्शल आर्ट है, जिसमें मुक्केबाजी के उलट आप अपने प्रतिद्वंदी को किक भी मार सकते हैं, मुक्के से अटैक और हाथापाई कर सकते हैं, उसे फेंक सकते हैं और ट्रिप कर सकते हैं। इस खेल में कमर के चारों तरफ पेंटिंग के अलावा सिर पर बॉक्सिंग हेलमेट लगाया जाता है। अब समझते हैं इस विवाद को। आमतौर पर जब आप किसी देश में यात्रा करते हैं तो आपको उस देश से परमिशन लेनी पड़ती है, जो वीजा के तौर पर मिलती है। यात्रा के मकसद के हिसाब से वीजा बदलते हैं, जैसे बिजनेस वीजा, पार्टनर वीजा, ऑन अराइवल वीजा। इसको लेकर अलग अलग देशों में नियम भी अलग अलग है। चीन में इसी तरह का एक वीजा जारी किया जाता है, जिसे नत्थी यानी कि स्टेपल्ड वीजा कहते हैं। इस वीजा में यात्री के पासपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर कोई स्टाम्प नहीं लगाता है, बल्कि इसे एक पर्ची के तौर पर पासपोर्ट में स्टेपल यानी कि नत्थी कर दिया जाता है। इस पर्ची में ये साफ तौर पर लिखा जाता है कि यात्री चीन में क्यों जा रहा है, उसका मकसद क्या है, इसलिए इसे नत्थी वीजा कहते हैं। पासपोर्ट में अलग से पर्ची को जोड़ने के लिए स्टेपलर का सहारा लिया जाता है, जिसकी वजह से ही इसे का नाम स्टेपल वीजा पड़ा है। चीन के अलावा क्यूबा, ईरान और उत्तर कोरिया के अलावा और भी कई ऐसे देश हैं जो नत्थी वीजा जारी करते हैं। पहले ये देश चीन और वियतनाम को भी ऐसा ही वीजा जारी करते थे, लेकिन समझौते के बाद इसमें छूट दे दी गई। लेकिन चीन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये वीजा जारी करके एक बार फिर से दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। इसकी वजह है चीन की मानसिकता। दरअसल तिब्बत पर चीन का अधिकार है और वो भारत के अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है। वो मानता है कि अरुणाचल प्रदेश पर भी उसका अधिकार है और वो वहाँ के लोगों को अपने देश आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। यही विवाद की जड़ है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए उसने नत्थी वीजा जारी किया है। भारत इस मामले पर पहले भी अपनी आपत्ति जताता रहा है। साल 2014 में भारत आए तत्कालीन चीनी विदेश मंत्री वांग यी का कहना था कि चीन की ओर से स्टेपल्ड वीजा जारी करने का मतलब है कि हम सीमाई मुद्दों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। चीन क्षेत्रीय विवाद का हवाला देते हुए लगातार अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को स्टाम्प वीजा देने से इनकार करता रहा है। चीन पहले भी अरुणाचल प्रदेश के एथलीट्स और अधिकारियों को प्रिंटेड वीजा जारी करने से इनकार कर चुका है। साल 2011 में राज्य के कराटे के 5 खिलाड़ियों को एक प्रतियोगिता के लिए स्टेपल वीजा दिया गया था। 2 साल बाद 2 तीरंदाजों को यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले स्टेपल वीजा दिया गया और साल 2016 में भारतीय बैडमिंटन टीम के मैनेजर ने कहा कि उन्हें चीनी वीजा नहीं मिला क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से थे। फिलहाल सरकार ने यूनिवर्सिटी गेम्स में टीम की हिस्सेदारी को लेकर अंतिम फैसला नहीं किया है। ये स्टोरी आपके लिए तैयार की है हमारे साथी मंचकार ऋषभ ने। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्टोरी पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।